नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। हे माता लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा पर जो भी अपनी छत पर मीठी खीर रखें, उस खीर में अमृत बरसा देना और जो भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी लाइक जरूर करें। देखिए, शरद पूर्णिमा है, 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है, तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनना, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयंवर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं और जो भी जागते भी दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना, शाम के समय चंद्र उदय होने पर आज के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रखकर के खीर खाता है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता, और कल युग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता, सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करें, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा, और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है, इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आरंभ है यह शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। कल की भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं, श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था, और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई, अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। जैसे चंद्रमा की जो 16 कला है कुछ इस प्रकार से हैं: अमृत, मंदा, पूर्ण, शासनी, ध्रुति, चंद्रिका, ज्योत्सना, क्रांति, पुष्टि, त्रिशि, पूर्णमृत, प्रीति, पुष्पा, ज्योत्सना और श्री। श्री अर्थात धन होता है। इसके बाद अंगदा, अंगदा मतलब स्थायित्व, तो ये चंद्रमा की 16 कला कही गई है। और एक खास कथा में भी ये जानकारी मिलती है शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर जो है शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन इनका जन्म हुआ था, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं, कार्तिक जी। हां, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल की भी मैं आप लोगों को मैं बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख करके ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नव यौवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने कभी भी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था, और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे आती हैं।
इसलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट होते हैं, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं, ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तराभाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं, तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, और मां लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना। ये आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेंगे, बंद किस्मत के ताले खोलेंगे, कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटका आपको अच्छा लगे वह टोटका करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदे दे। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं, टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है, चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है, और आपको उसी टाइम में रात्रि कालीन में ही आपको जो गंगा जल रखा है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है, तो ऐसा माना जाता है। इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है, और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है, और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है, और मां लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। मां लक्ष्मी जैसे कि ओम श्रीम श्री नम, अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एक तक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपकाते, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारी आंखों में कमजोरी है, तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं चंद्रमा, तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप जो है महालक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गटके हैं, हत्था जोड़ी है, सियार सिंघी है, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई है, ये तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो ये जागृत हो जाती है और ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक ये आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक ये आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ही आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चल और अचल, ये दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है, इसमें मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में मां लक्ष्मी को वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए। मां लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हां, बिल्कुल ही आपको रात्रि कालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी का जो फोटो है, उनके सामने में कम से कम आपको 8 बिल्कुल ही 8 आपको गुलाब के पुष्प, लाल कलर के गुलाब के पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है।
कमल से भी ज्यादा मां लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल की पुष्प अगर कमल के पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर मां लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की मां लक्ष्मी स्वत ही मनोकामना की पूर्ति कर देती है और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती है, अर्थात धन प्रदान करती है। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी की आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल ही बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रिकालीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रिकालीन भर आपको जलाना है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उस घर में सुख समृद्धि स्वतः ही धन की वर्षा मां लक्ष्मी स्वत ही कराती है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो है इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से खूंते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ू घर से सभी प्रकार के जितनी भी नकारात्मकता चीज है, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपके कुलक्ष्मी आ गई है, घर में आपके दुख हैं, दरिद्रता है, इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है ये कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारी गरीबी है, हमारे दुख है, तकलीफ है, उसे भी ये बाहर निकालने का काम करती है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए, जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होती है ये देवताओं की दिशा होती है, मां लक्ष्मी की दिशा होती है। उत्तर दिशा धन के आवागमन का दिशा होती है, अर्थात धन आने की दिशा होती है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए। झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरी रात्रि भर जलने देना और घर का जो दरवाजा है वो खोल करके रखना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अब एक और उपाय जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर मात्र 1 रुपए का सिक्का आपका कायाकल्प कर देगा, करोड़पति हो जाओगे। ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह राहु केतु से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यानी कि दोस्तों आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे, तो हमेशा के लिए आपका शुक्र ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको साक्षात एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा।
बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है, पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों में 1 सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है हल्दी के डिब्बे के, और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है, और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है, और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है, आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी, भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेंगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों आप जानते हैं लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार 3 लौंग का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी,
क्योंकि दोस्तों अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जो लौंग होती है यह शुक्र ग्रह का कारक होती है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर लौंग का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ में किया जाए तो वह पूजा सफल हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। इसीलिए अगर आप आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर लौंग का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में करेंगे तो मानकर चलिए तुरंत ही आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट दिक्कत समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात के समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको तीन लौंग, तीन कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर तीन लौंग, तीन कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और आपको दो लौंग लेना है। उसके बाद पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है, दो लौंग को हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद दो लौंग को आपको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे।
जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी लौंग आपको डाल देना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई दोष परेशानी दिक्कत होगी वह सारी समस्याएं ये लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे आपके घर का बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस पूर्णिमा दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्थिक स्वरूप बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर करके भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना हो की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश कलह बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है क्योंकि स्वास्थिक को मान सम्मान सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो पूर्णिमा के दिन तांबे या चांदी का स्वास्थिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्थिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह, या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्थिक बनाते हैं, तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता, ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्थिक रोकता है। स्वास्थिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्थिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्थिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाइए। दोस्तों, इस पूर्णिमा पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्थिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। दबाइए दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्थिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्थिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाई, यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां हौल, लक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्थिक बना लें। स्वास्थिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वही रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 2 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में कभी धनन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे
तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्थ्य काम आता है। इसके लिए स्वास्थ्य का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लोटे जल में एक छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें दो हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हो ई है तो उसको ही पूजक वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं भी बनाएं, फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेगा। जीवन में खुशी इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर कर उसमें छुटकी हल्दी दो चार बूंदे दूध थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से एसएस का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रख कर निकले, आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थो अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर रर ही पी लें, अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाको बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक छुटकी हल्दी डाल लें, इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्री हारिका सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए, साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल हासिल करें।
ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनसे जुड़ी किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। हनुमान जी से लेकर सीता माता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में राज्य योग की हासिल हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर अवश्य रखनी चाहिए।